आज जो मैं आपके सामने जो है शॉपिंग हॉल का रिव्यू करने जा रही हूँ वो मैंने सुरेंद्रनगर से लिया है और मैंने इसको जो परचेज किया है मैं उसके सारे फैब्रिक के बारे में आपको बताऊंगी और जो भी मैंने कपड़े लिए मैंने सारे किड्स के लिए लिए और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप जो है आप देख सकते हैं वहाँ पर जाके। और बस ये है कि आप लोगों को बार्गेनिंग करनी अच्छी आनी चाहिए और जो भी वो रेट बोलते हैं उसको थोड़ा सा आप कम करवा सकते हैं और अच्छे प्राइस में आप जो है अच्छी चीज ले सकते हैं। और जब भी आप कोई अपना जो कपड़े लेते हैं तो आप उसमें जो है कटा फटा जो भी है आप अच्छे से देख लीजिए और आके एक बार उसको घर पे वॉश जरूर कर लीजिएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको सारे अपने जो कपड़े जो मैंने क्या परचेज किए और साथ के साथ जो है मैं आपको जो है उसकी वीडियोस भी दिखा दूंगी कैसे कैसे आप ड्रेसेस को जो है कैरी कर सकते हैं। तो चलिए मैं फैब्रिक दिखाती हूँ आपको। फर्स्ट ड्रेस जो है मैंने अपनी छोटी बेटी के लिए लिया है, सिंपल सा ये हॉजरी का है और बहुत ही अच्छा है और ये समर्स के हिसाब से कॉटन में है, ये कॉटन विथ हॉजरी है और ये जो है बना हुआ है इसमें और ये देखिए मैं जो है साथ के साथ जो इसकी वीडियोस भी दिखा दूंगी अपने बच्चे की पहनाई हुई। मैंने एक बार इसको जो है वॉश कर लिया घर पे आके पीछे में इसने है। जैसा भी बच्चा आपका जो हेल्दी हो या स्लिम हो जैसे भी हो तो आप इसको जो है पीछे से टाई कर सकते हैं। और लास्ट सेकंड कवर मैं जो दिखाऊंगी आपको, एक मैंने ये स्कर्ट ली इसके साथ जो है आप कोई भी मल्टी कलर जो है टी शर्ट कैरी कर सकते हैं। और इसके जो है इसमें पॉम्पम भी दिया हुआ है और ये जो है सारी फैब्रिक जो इसका ऊपर से ये नेट में दिया हुआ है और काफी अच्छा नेट है ये। और इसमें जो है इसकी जो लेयर्स है 1, 2, 3 और ये 4 लेयर्स में और बहुत प्यारी लगती है छोटे बच्चों पे। इसमें कोई सी भी आप टी शर्ट जो है कैरी कर सकते हैं, इसमें सारे कलर्स है और ये जो है 150 रुपीज की मिली मुझे। और जो फर्स्ट वाली थी ये मुझे मिली है 120 रुपीज की मिली थी और समर्स के हिसाब से घर पे पहनाने के लिए काफी अच्छी है और ये 150 की मिली मुझे और थर्ड है मेरी समर्स के हिसाब से। ये जंप सूट की तरह ही शॉर्ट जंप सूट है और ऊपर से जो है इसकी जो इनको कैरी कर सकते हैं इसमें जो है ऐसे करके और इसमें आगे बटन दिया हुआ है। ये प्योर कॉटन है और ये निकर स्टाइल में बना हुआ है और यहाँ पर जो है पॉकेट्स भी दी गई है और बच्चे के एडजस्टेबल के कि जो है चेस्ट से उसके बच्चों के नीचे नहीं गिरेगा, बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगा और आप यहाँ पर जो है लेटेस्ट किसी भी तरह से इसके जो है ऐसे इसको गांठ मार सकते हैं। साथ ही साथ जो इसकी स्लाइड्स में आपको दिखा दूंगी कैसा लगेगा। ये देखिए इसका फैब्रिक देखिए कॉटन में है और जो मैंने जो एक येलो कलर की टी शर्ट परचेज की आप बिलीव नहीं करेंगे ये 100 पीस की और ब्रांडेड है ये एक्सपोर्ट में, ये है येलो कलर की और इसमें जो एज भी दिया हुआ है 18 से 24 मंथ्स बच्चों के लिए। एक्चुअली मेरी बेटी जो है थोड़ी स्लिम है तो उसको ये साइज आ जाता है छोटे बच्चों का। ये टी शर्ट है और आपने सुना ही होगा पिंक एंड ब्लू करके ब्रांड और इसमें जो है कोई भी कहीं से भी कुछ नहीं हो रखा है और बहुत अच्छे रेट में हमें ये मिल गया है। आप एक बार जरूर जाके आइएगा और देखिएगा कि वहाँ पर जो भी कपड़ा मिलता है थोड़ा ध्यान से देखिए अच्छे से और बहुत ही अच्छी चीज मिलती है वहाँ पर। अब मैं दिखाऊंगी अपनी बड़ी बेटी का, वहां से मैंने उसको जो है ये 200 रुपीस में मैंने ये टॉप लिया है, ऊपर से ये ऐसा है और ये नीचे से ये ऐसे फ्रॉक टाइप है, ये शॉर्ट जो है शॉर्ट टॉप से ये ऐसे में है ये और जो इसका पीछे बहुत ही अच्छा इलास्टिक दिया हुआ है इलास्टिक से फिटिंग का और साथ में जो है ये दिया है पीछे से आप इसको टाई कर सकते हैं और आगे से जो ये ऐसा है पहन के ये बहुत प्यारा लग रहा था। आपको मैं जो है पिक्चर्स में दिखा दूंगी और लास्ट मैंने जो ली थी एक टी शर्ट ली है मैंने लिवाइस की, काफी ज्यादा ट्रेंड में है ये भी मेरी बेटी की है
व्हाइट टी शर्ट है और ये भी प्योर कॉटन में है, बिल्कुल बनियान टाइप सा कपड़ा है ये, और ये पहन के बहुत अच्छी लग रही थी। और सारी मैं पिक्चर्स आपको इसकी दिखा दूंगी कैसी लग रही थी ये। इसका जो फैब्रिक है बिल्कुल देखिए बनियान टाइप में है ये, और जो इसकी जो फैब्रिक है बहुत ही ज्यादा बेस्ट है, और इसका फैब्रिक जो है ये कॉटन विद हॉजरी में है, और समर्स के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है, बच्चों के लिए काफी अच्छे कंफर्टेबल है। और मैंने जितना भी सारा फैब्रिक लिया मैंने कॉटन और हॉजरी में लिया है, और आप देख ही सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कितनी बेस्ट है। और ये पॉम्पम वाली मैंने जो है स्कर्ट लिए, इसके साथ जो है कैसे भी टी शर्ट जो है कोई भी जो है हम इस पे कैरी कर सकते हैं। और ये मैंने येलो कलर की टी शर्ट ली है, इसे पोलो टी शर्ट कहते हैं, इसे आप जींस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और नेक्स्ट मैं दिखाऊंगी बच्चों के लिए, बच्चों का ये जो है जंप सूट है, शॉर्ट में मैंने लिया है, ये भी समर के अकॉर्डिंग बनाया गया है और काफी कंफर्टेबल है। और फैब्रिक बहुत फाइन क्वालिटी का है और प्योर कॉटन में है, और इलास्टिक भी दी गई है साथ के साथ इसमें। और ये जो है फैब्रिक कॉटन में है और काफी स्टाइलिश है ये, कॉलेज गर्ल्स स्कूल गर्ल्स टाइप के लिए बनाया गया है बच्चों के लिए। आप इसको जो है किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं, आप स्कर्ट जीन्स और या जैगिंग ट्रैगिंग के साथ भी इसको कैरी कर सकते हैं। और नेक्स्ट है लिवाइस ब्रांड की जो है टी शर्ट है, और आप बिलीव नहीं करेंगे 100 रुपीज की है, और इसका स्टफ भी है जो बिल्कुल कंफर्टेबल है, जो फैब्रिक है वो बहुत ही अच्छा है, कॉटन फैब्रिक में मैंने ये परचेज किया है। आप देख ही सकते हैं यहाँ मैंने, यहाँ से जो है मैंने अपनी बेटी के लिए ये वाली फ्रॉक जो है परचेज करी थी, और इसका स्टफ जो है बहुत ही अच्छा है।
गॉगल्स जो मैंने लिए हैं 150 to 200 रुपीज़ के हैं और इनकी क्वालिटी बड़ी बेटर है, और जो इनका प्लास्टिक है वो काफ़ी अच्छा है, फाइन प्लास्टिक में है। और ये मैंने अपने बच्चों के लिए लिए है, आजकल जो ट्रेंड में चला है कलरफुल स्पेक्ट्स का। और अगर आपको ये सारी वीडियो पसंद आए, आपको जो शॉपिंग हॉल मेरा पसंद आया, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसी मैं जो है शॉपिंग जो हॉल से मैं और लाती रहूँगी आपके लिए। और ये सारा जो मैंने जो क्लॉथ जो है मैंने परचेज़ किए, ये मैंने श्रीनगर मार्केट से परचेज किए और वो भी बहुत चीप प्राइस में, तो आप वहाँ जाके जो है इसको चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।